हादसा है, मन तकलीफ और पीड़ा से भरा हुआ है। भगवान की भक्ति में डूबे हमारे नौजवान जो युवा थे, किशोर थे, जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी के सहारे थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए विसर्जन करने गणेश जी का गए थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सब पीड़ित और दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। अब उनको लाया नहीं जा सकता, लेकिन इस दुर्घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री और सारा प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। सबको पता है कि गणेश विसर्जन के समय भीड़ होती है, उत्साह में नौजवान होते हैं, तब पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? गोताखोरों की क्या पर्याप्त व्यवस्था थी? नाव में एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बच्चे ना चढ़ें, इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? क्या लाइफ जैकेट्स वहाँ रखे गए थे? आखिर 11 बच्चों की जिंदगी गई है, कोई साधारण घटना नहीं है। ये लापरवाही के कारण हुई है, और लापरवाही लापरवाही नहीं है, आपराधिक लापरवाही। ऐसी लापरवाही जिसके कारण 11 बच्चे चले जाए, उनकी जिंदगी चली जाए, ये माफ करने के लायक नहीं है। और इसलिए इसकी मजिस्ट्रेट जांच की बात जरूर की है, तत्काल जांच हो। आपराधिक लापरवाही के लिए जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और ये बच्चे तो बुढ़ापे की लाठी के सहारे थे, ये छिल गए। इनके माता पिता निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों से थे, अब उनको लाया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन परिवारों की करनी चाहिए, ताकि बाकी जिंदगी कट सके। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और गजानन भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन परिवार के सदस्यों को, जो युवा हो या नौकरी करने के योग्य हो, एक एक शासकीय नौकरी भी जरूर देनी चाहिए, ताकि बूढ़े माता पिता की जिंदगी कट सके। कोई दुर्घटना हो जाए, दिए जाते थे, लेकिन ये दुर्घटना साधारण दुर्घटना नहीं। इसके कारण केवल बच्चे नहीं है, प्रशासन है, सरकार है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्यूटी थी कि गणेश विसर्जन के लिए जब जाएंगे भीड़ होगी, गाँव में लोग चढ़ेंगे, और रोका क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी? और इसलिए ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है, इसलिए 25 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए, शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए।